हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। ये मार्केट का एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है, जिसे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिबोनाची टूल्स करता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसका यूज़ हम लोग करके कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है, जो स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में और अदर्स मार्केट में भी यूज़ होता है। फाइनेंशियल इन मार्केट्स में यूज़ होने के बाद इनसे प्राइस के मूवमेंट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाने को जो रिट्रेसमेंट होता है, जो एक लेवल होता है जहां पर प्राइस आकर के सपोर्ट बनाती है, या फिर कहीं पर कोई लेवल ऐसा होता है जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस बना के रिवर्स होती है, उस रिवर्सल पॉइंट को ही रिट्रेसमेंट पॉइंट बोलते हैं। उस रिट्रेसमेंट पॉइंट को, प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज करना और उस एनालाइज करने के बाद हमें लेवल्स प्रोवाइड करना, यही इस टूल का काम होता है। प्राइस टारगेट हम इसमें से निकाल सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ट्रेडर्स को प्राइस के पोटेंशियल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, ट्रेंड्स कंफर्मेशन कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कहां पर लगाना है, कहां पर डिसाइड करके ट्रेल करना है। ये सारे लेवल्स हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल प्रोवाइड करता है और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। मगर एक सबसे पहला फैक्ट ये याद रहे आपको कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू एक टूल है जिसका 100% गारंटी नहीं है कि ये जो लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है वो 100% परफेक्ट ही होंगे। इसलिए अपनी टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड और अदर टूल्स की मदद से इसमें 100% कंफर्मेशन ले जानी चाहिए। बगैर उसके सिर्फ यही आप इसको मान लो 100% और उसी रिवर्सल पर ट्रेड करने लग जाओ तो ये बिल्कुल गलत है। तो चलो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ हम लोग किस तरह से और कहाँ पर कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, इसे यूज़ करते हैं। अब इस रनिंग मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पहले देखो, इसे यूज़ करने के लिए ये दोनों तरफ के लेवल एक साथ निकाल करके नहीं देता है। हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरा मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है और काफ़ी दिनों से मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, तो ये चीज़ हम लोगों को पता है। वरना PCR रेशियो निकाल करके हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। PCR रेशियो आपको नहीं पता तो गूगल पर चेक करोगे, पुट कॉल रेशियो आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। तो PCR रेशियो भी 0 पॉइंट में चल रहा है तो वो निगेटिव ही है, 1 पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, तो निगेटिव टूल है तो निगेटिव के ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे लेवल्स। निगेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी मार्केट का जो ये लो है यहाँ से लेकर के ये मार्केट के हाई तक के। और अगर आपको ऊपर के लेवल निकालने हैं पॉजिटिव, तो ये आपका मार्केट के हाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मार्केट के लो तक आएंगे। तो इसे यूज कैसे करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं, सबसे जरूरी काम। देखो, ये फिबोनाची को सिलेक्ट किया, अब मार्केट का लो ये है, यहाँ पर रखेंगे और ये मार्केट का जो हाई है यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। इसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम जो नंबर साइड में लिख करके आ रहे हैं इनके ऊपर आप ध्यान दो। सबसे ज़्यादा जो नंबर लिख करके आ रहे हैं वो आ रहा है, ये देखो 0.5 का नंबर आपको हो सकता है यहाँ पर दिख रहा हो, ये 0.5। देखो, एक ये इम्पोर्टेंट लेवल होता है यहाँ पर, दूसरा एक ये 0.6 का। ये जो दो लेवल है ना, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ये लाइन, इसकी एक ये लाइन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स लेने के बाद में यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, ये देख रहे हो, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये है प्राइस का रिवर्सल, देखो प्राइस आई, प्राइस आने के बाद अभी देखो क्या हुआ है, ये देखो प्राइस कहीं पर भी गई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद भी रिट्रेस किया ना प्राइस ने, देखो इसी लेवल से किया, इसी रिट्रेसमेंट लेवल को हम लोग यहाँ से कैप्चर करते हैं। अब सबसे पहली चीज, यहाँ पर ये दो पॉइंट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये गोल्डन जोन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जोन है, लेकिन इसके अलावा भी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। ये 0.38 का लेवल जो आप देख रहे हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि अक्सर करके प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन 0.38 को अगर क्रॉस करती है तो मार्केट में ये देख रहे हो बुलिशनेस दिख रही है, अगर इस यहीं से हो सकता है रिटर्न आ जाए। दूसरा लेवल होता है 0.86, यानी पहले नंबर पर हमारा जो टारगेट रहता है लेवल
वो ये रहते हैं 0.5 से लेकर 0.6, और सेकंड यानी इससे थोड़ा वीक लेवल जो है ना वो 0.3 और 0.786 का लेवल है कि प्राइस यहाँ से भी रिट्रेस कर सकती है, चांस है बहुत ज़्यादा कि यहाँ से भी रिट्रेस हो सकती है प्राइस। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस गोल्डन जोन से रिट्रेस हो रही है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट माना जाता है। तो अब हम इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे? अब मान के चलो प्राइस यहाँ पर चल रही है, वापस आ रही है, तो पहले हम लोग इंतज़ार करेंगे उसका इस लेवल पर आने का। अब अगर इस लेवल पर प्राइस आ गई है तो इस लेवल पर प्राइस आने के बाद में मार्केट प्राइस यहाँ से देखो रिवर्सल हुई, यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना मार्केट का, बुलिश हरामी कैंडल, इसका हाई टूटा, निकला जैसे 0.38 के ऊपर हम लोगों ने कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनाई। अब हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं मार्केट का जो हाई है 0.4 या 0 वाला लेवल, यहाँ तक जा सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस को कहाँ रखेंगे? अगर यहाँ पर ट्रेड बनाया है तो 0.618 के नीचे हम लोग यहाँ पर कहीं अपने स्टॉप लॉस को इस एरिया में प्लॉट कर सकते हैं। ये डिसाइड करेगी हमारी पिछली स्विंग। अब ये स्विंग यहीं पर बन गई है तो हम लोग बिल्कुल जस्ट इसके नीचे यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। अब टारगेट हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला टारगेट हमारा जो बनेगा वो बनेगा 0.382 का। दूसरा टारगेट अगर इसे प्राइस क्रॉस करती है तो दूसरा टारगेट बनेगा हमारा 0.236 का, और अगर इसे भी प्राइस क्रॉस करती है तो हमारा तीसरा फाइनल लेवल बनेगा 0.43 का। अब इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अभी मार्केट का ये हाई है, मान के चलो कुछ टाइम के बाद अगर प्राइस यहाँ पर से रिवर्स निकल जाती है ऊपर और निकल जाती है और मार्केट का हाई कहीं यहाँ कहीं पर आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इसे उठा करके हम लोग बढ़ा देंगे उस लेवल तक बढ़ाएंगे तो हमारे और ऊपर के टारगेट्स निकलते चले जाएंगे। इस तरह से फेबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज होता है। मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, ये फेबोनाची नंबर्स होते हैं, कहाँ से आए, क्यों बने, टेक्निकल एनालिसिस, हजारों तरह की चीजें होती हैं मार्केट में, मैं आपको वो भी बता सकता था, लेकिन अगर आप बिगनर ट्रेडर हो ये सब चीजें सुन करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो प्रोफेशनल है जिसे जानने की जरूरत है उसे ऑलरेडी सब पता है, उसे मैं बताकर क्या करूं। ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि जो बिल्कुल बेसिक बिगनर ट्रेडर्स हैं जिनको मार्केट में एनालिसिस और तमाम तरह की चीजें देखने को तो यूट्यूब पर मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, पर वो इस लैंग्वेज में होती हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, कि उनको उसे सुनना तो आसान है पर उसे समझना मुश्किल है। समझ में भी लिया तो मार्केट में किस तरह से यूज करेंगे वो समझ नहीं आता। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर आपको चीजों को समझाता हूँ जो बिल्कुल इजिली आप कर पाओ। अब ये हो गया डाउन ट्रेंड, अब ट्रेंड में किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अब ट्रेंड में यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सबसे मार्केट का हाई और ये मार्केट का लो, ठीक है? ये 0.5 और 0.6 का ऐसे ही लेवल मार्क करेंगे और प्राइस के यहां पर आने का वेट करेंगे। देखो तो प्राइस यहां पर आएगा जरूर, ये गोल्डन जोन है, यहाँ पर प्राइस जैसे ही आएगा यहाँ से वापस रिवर्स करेगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फिर से ये इस बार जो जोन बन गई है अप ट्रेंड में वो ये बन गई है, ये देख रहे हो ये वाली, ये है 0.5 और 6 की लेवल गोल्डन जोन, ठीक है? ये हो गई 0.7, ये पहले जो नीचे थी अब ऊपर आ गई, और 0.3 जो नीचे थी वो अब ऊपर थी, सॉरी वो अब नीचे आ गई। तो अब इसे यूज करके हम लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे। मान के चलो कि प्राइस अगर नीचे से आ रही है तो ये गोल्डन जोन को क्रॉस करने का वेट करेंगे, ठीक है? क्रॉस करने का वेट करेंगे, जब यहाँ पर दोबारा प्राइस रिटर्न्स बना के ऊपर निकलेगी तब हम लोग ट्रेड में इनिशिएट करेंगे, या फिर प्राइस अगर ऊपर ही है और नीचे की तरफ आ रही है तो पहले प्राइस को यहाँ तक आ जाने देंगे और फिर यहाँ से जब रिवर्सल आएगा तब हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजिशन बनाएंगे। तो बेसिक सी चीज़ है, वीडियो समझ में ना आई हो 2 से 3 बार देख लेना। मैं यहाँ पर कम कम टाइम टाइम ड्यूरेशन होने की वजह से एक चीज़ को एक ही बार समझा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, करना आपको खुद ही होगा, चीज़ों को समझना आपको खुद ही होगा। एक बार में समझ में नहीं आता तो 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर इस चीज़ को सीख लोगे अगर तो इंट्राडे में रनिंग मार्केट में जो लॉस होता है आपका वो लॉस आपका कम से कम 70-80% आपका होना कम हो जाएगा। अब इसी में मैं आगे और टेक्निकल एनालिसिस जोड़ोगे आप, जो भी आप अपनी एनालिसिस यूज करते हो उस एनालिसिस के बेस पर यहाँ पर इसे यूज करना, सिर्फ इसी के बेस पर यूज मत करना। अभी मैंने आपको रनिंग मार्केट में दिखाया कि प्राइस ने कहाँ से रिवर्सल लिया है, अब आपको ये किसी भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब ये देखो कल के दिन का था, ठीक है, कल के दिन का था,
मार्केट यहाँ पर खुलता है, ठीक है। अगर आप वो डायरेक्शन में देखते हो तो ये हो गया मार्केट का लो। अब ये देखो 0.5 से लेके 0.6 का लेवल हो गया। प्राइस ने यहीं पर से आकर के देखो रिवर्सल दिया, तभी प्राइस में मोमेंटम आया है, वरना उससे पहले मोमेंटम दिख नहीं रहा है पूरी मार्केट में। यही एक गोल्डन जोन होती है मार्केट की, तो इस गोल्डन जोन को पहचानो और सही लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना सीखो। यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें प्रोवाइड कराता है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजी कर देता है। और इस वीडियो को अगर आई होप कि आपको समझ में आए हो ये टेक्निकल एनालिसिस और ये वीडियो, मैंने इसमें नंबर के बारे में बहुत टेक्निकल है, आप समझने की ज़रूरत नहीं है, आप वो समझो जो आपको पैसा बना करके दे बस। अगर टेक्निकल आपको जानना है तो मार्केट में आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि फिबोनाची मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेट होते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, आपको टूल थोड़ी बनाना है। यहाँ तो टूल बना बनाया मिल रहा है ना, उसे यूज कैसे करना है मेन चिंता है वो। तो इस मुद्दे को समझो और मार्केट में ट्रेड करना सीखो और पैसा बनाना सीखो, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए मार्केट में एक बहुत जल्दी ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, मार्केट नीचे आएगा तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। और हर वक्त आपको स्क्रीन देखने की डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी इजी स्ट्रेटेजी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। इसलिए बेल आइकॉन दबा के जरूर रखना कि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ किसी और वैल्यूबल वीडियो में, धन्यवाद।